नाम सौरभ खंडेलवाल है, मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर कैसे क्रिएट किया जाता है। रिसिप्ट वाउचर का मतलब है कि किसी पार्टी से पेमेंट आई तो उसकी पेमेंट कैसे जमा करनी है, और पेमेंट वाउचर का मतलब है कि किसी पार्टी को हमने पेमेंट की तो उसका वाउचर कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं रिसिप्ट वाउचर यानी कि इनकमिंग कैश या इनकमिंग चेक का वाउचर। तो हम रिसिप्ट पे जाएंगे और एंटर दबाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे पार्टी का नाम। तो फ़र्ज़ करें पार्टी का नाम है धर्मेश भाई। जब आप टाइप करेंगे तो इस तरह से मेन्यू खुल जाएगा और आप पार्टी का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय चांस न्यू पार्टी है तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आप मेरा अकाउंट क्रिएशन का वीडियो देखें। उसके बाद क्रेडिट में जाके जब आप एंटर करेंगे तो कर्सर अपने आप क्रेडिट पे आ जाएगा और आप पेमेंट डालेंगे, जैसे कि धर्मेश भाई से हमें 10,000 रुपये जमा करने हैं। तो अब ये जो 10,000 आए हैं ये कैश आया है, तो हम सी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो कैश का हम सिलेक्शन देख पाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसी तरह से हम ये कैश का वाउचर क्रिएट कर देंगे। अगर कोई नरेशन है जैसे कि कैश किसके थ्रू आया या कोई और ऐसी कोई कमेंट जो इसमें डालना हो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे कि ये आया है थ्रू सुरेंद्र भाई, और इसके बाद हम एंटर करेंगे तो एक कर्सर सेव पे आ जाएगा। अगर हमने सेव किया तो अब ये सेव हो गया। इसका हम यहाँ से प्रिंट वाउचर भी निकाल सकते हैं, जब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हम प्रीव्यू देख पाएंगे, इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है। और हाथ के हाथ हम प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंटर पे जाएंगे और हम प्रिंट का बटन दबाते ही इस वाउचर का प्रिंट निकल जाएगा। इसमें दो तीन तरह के ऑप्शंस भी होते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का वाउचर प्रिंट करना है, जैसे एक ये वाउचर है और इसी तरह से एक जनरल प्रीव्यू है, ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे वो आप प्रिंट कर सकते हैं। ये है रिसिप्ट वाउचर। अगर हमें प्रीवियस से नेक्स्ट विजिट रिसिप्ट वाउचर देखना हो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिसिप्ट वाउचर अगर हम एस्केप दबा देंगे तो नया रिसिप्ट वाउचर करने की एंट्री आ जाएगी और हम नेक्स्ट पार्टी का एंट्री कर सकते हैं। इधर जैसे हमने ये एंट्री एक और कर दी है, आपको डेट का ध्यान रखना है कि डेट जो सिलेक्टेड हो वो आज ही की हो या उस डेट की हो जिसमें कैश रिसीव हुआ है, और बाकी अब एंट्री इसमें करके सेव कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस एंट्री पे जाना है तो आप प्रीवियस का बटन दबा के प्रीवियस वाली एंट्री भी देख सकते हैं और नेक्स्ट वाले से नेक्स्ट वाली एंट्री भी देख सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से प्रिंट और प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, आपको सही फॉर्मेट चूज़ करना है और उसके बाद प्रिंट बटन दबाना है और प्रिंट आप ले पाएंगे। इसी तरह से पेमेंट वाउचर यानी कि अगर हमने किसी को पेमेंट दिया है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रिसिप्ट वाउचर में अगर हमारे पास किसी पार्टी से कैश आ रहा है, कैश की जगह चेक आया है, तो हम यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में चेक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी से 20,000 रुपये का चेक आया है, तो यहाँ हमें जो भी हमारा बैंक है, ये बैंकों की लिस्ट आ गई, जैसे हमारा कोटक बैंक है या हमारा कृष्णा जेम्स एंड ज्वेल्स या KGNJ के नाम से हमने अकाउंट बना रखा है, J&K जैसे हमारा बैंक है, हम J&K सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे पार्टी का नाम कि कौन सी पार्टी से चेक आया है, जैसे हमने यहाँ डाल दिया। और इसको सेव कर दिया तो ये हमारा चेक की एंट्री हो गई, और ये एंट्री जो है कैश में नहीं रिफ्लेक्ट करेगी, ये एंट्री बैंक के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसी तरह से अगर हमारे मल्टीपल अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं तो हमें जिस भी बैंक में हमने चेक ड्रॉप किया है वो बैंक हमें सिलेक्ट करना है, और इसका भी हम इसी उसी सेम तरीके से प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर हम यहाँ से जैसे रिसिप्ट वाउचर था ऐसे यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे जाके एंट्री करेंगे तो ये पेमेंट वाउचर की विंडो खुल जाएगी। जनरली पेमेंट हम वेंडर्स को करते हैं तो किसी भी वेंडर का नाम जिस तरह से हमने पहले सिलेक्ट किया था एंटर करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी, और फर्ज करें हमें ए को पेमेंट करनी है और 10,000 रुपये हमने इसको दिए हैं और कैश दिया है तो हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने बैंक से पेमेंट दी है तो हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी बैंक से पेमेंट गई है, और यहाँ पर हम नाम डाल देंगे कि हमने ये पेमेंट आनंद को दी है, आनंद भाई को दी है चेक के थ्रू, थ्रू चेक या RTGS या NEFT जो भी टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं, और हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये थी पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री, इनका आपको प्रिंटआउट भी ले सकते हैं, और कैश और चेक दोनों की एंट्री।
एक ही वाउचर विंडो में हो जाती हैं। तो ये था पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करने का तरीका। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है, मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। थैंक यू सो मच।